जोहार झारखंड, मैं बहालिंडा सांगोर खूटी से कर्रा प्रखंड के अंतर्गत आता है ये गांव, और इसमें 150-200 खूटी विधानसभा के अंतर्गत घर पाए जाते हैं। हम उस जगह पर आज ठहरे हुए हैं, और कल के मैं एक छोटी सी घटना मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि कल हम लोग झारखंड मान दिवस के रूप में हम कर्रा प्रखंड में मनाए, क्योंकि एनी होरो साहब और हमारे जयपाल मारंग गुम्पे जी हैं जो झारखंड मांग के लिए ऐतिहासिक दिन था कल उनके स्मरण के लिए, क्योंकि हम हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली तक हमारे झारखंड राज्य की मांग को लेकर कल ही के दिन एक ऐतिहासिक भूमि कर्रा में हजारों लाखों के भीड़ इकट्ठा होकर हम गए हुए थे दिल्ली, कुछ किए थे। तो कल ऐसे ऐतिहासिक दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। हम झारखंड के जहन में ये दिन कभी भूला नहीं जा सकता। तो हम पूरे कर्रावासी कल इकट्ठा हुए और झारखंड मांग दिवस जो हमारे मारंग गोमके और एनी होरो साहब के सपना देखा था, उस दिन के लिए हम कल इकट्ठा हुए पूरे कर्रा प्रखंड, और जो भी जमीन और की गड़बड़ियां हो रही है उस मांग को लेकर जब हम सीओ के पास जाते हैं तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष और हमारे साथ कुछ अभद्र टिप्पणी हमारे सीओ साहिबा के साथ की जाती है। एक कही जाती है कि हम तो आपको ये दलाल के नाम से जानते हैं, और डीसी भी आपको दलाल का संबोधन देते हैं, तो आप कैसे समाज सेवक हैं, इस टाइप से अभद्र टिप्पणी की गई। तो हम उस सीओ और डीसी को हिदायत देना चाहते हैं कि हमारे जो अगुएगण हैं और जो लीडरशिप कर रहे हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए, नहीं तो हम लोग इसका पूरा कर्रा वासी उठ के आज आपके विरोध में हम आपका ब्लॉक घेराव, थाना घेराव हर प्रकार से हम सक्षम हैं आज पूरे झारखंड में, क्योंकि ये झारखंड हमारे वीर शहीदों के मांग से शहादत से ये मिला है। और जिस गद्दी पे आप बैठे हैं वो हमारे महापुरुषों का, हमारे अब्बाओं का देन है। तो आप अपने बपोती उस कुर्सी को ना समझें, हम उन्हें चेताना चाहते हैं। और अगर दलाल की संज्ञा दी जाए तो पिछले सरकार में खूटी के डीसी है जो उनके अगुवाई में चुनाव में गड़बड़ियां की गई, और आज जो हमारे अर्जुन मुंडा जी मंत्री बन के बैठे हैं तो एक साफ छवि लेकर नहीं, एक चुनाव में डीसी के अगुवाई में दलाई करके उनको जिताया गया, और कालीचरण मुंडा को जिन्हें नीलकंठ जी विधायक के भाई हैं उनको हराया गया, ये पूरा दुनिया जानता है। तो दलाल तो आप खुद डीसी या सीओ हैं, तो हमें दलाल की संज्ञा ना दें, क्योंकि आज हर प्रॉपर्टी को भांजाने का आप कमीशन के तौर पर कर रहे हैं सीओ, तो दलाल का अगर संज्ञा दी जाए तो सबसे बड़ा दुनिया की सबसे दलाल साहिबा जो सीओ बैठी है, डीसी बैठे हैं हमारी स्कूटी में, उन्हें हम संज्ञा दे सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको जागना होगा, और जो डीसी अभी एवीएम का प्रचार कर रहा है पुरजोर से, उसका हम सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे चुका है कि एवीएम को बैन किया जाए 2013 में, तो अभी तक क्या कर रही है यहाँ की डीसी और भारत सरकार और राज्य सरकार, ये सरासर दलाली तो वे खुद कर रहे हैं। और हमारे एनी होरो साहब और मारंग गोमके का चेला को आप दलाल की संज्ञा देते हैं, तो ऐसे ऐसे पदाधिकारी जो हमारे महापुरुषों के देन से आज उस गद्दी पे बैठे हैं, वो गद्दी बहुत जल्द छीनने वाली है, और अबुआ राज और उलगुलान हम करने वाले इस खूटी से, और हमारा राज्य स्थापित होने वाला है। हम विश्वास करते हैं, हर साथियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, और हर साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि हर डीसी कार्यालय के समक्ष आप एवीएम का विरोध करें, एवीएम का पुतला दहन करें, और अपना मेमोरेंडम, अपना ज्ञापन डीसी को दें, क्योंकि सबसे बड़ा दलाल ये अधिकारी बन के बैठे हैं, और हमारे वीर शहीद
जो झारखंड राज्य अलग कर गए उनके चीलों को दलाल की संज्ञा देती है। तो आप जागे उठे और लड़े और जीतेंगे और अब की बार अपना सरकार अबुआ राज अबुआ दिसुम का उलगुलान करेंगे। इस बार मारंगों के जैन जयपाल की सरकार आएगी और ऐसे दलाल सीओ वीडियो और डीसी गंगा पार जाएंगे। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।